चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने बुधवार 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गया है। आपके दिमाग में भी यही आता होगा कि चंद्रयान 3 को 23 अगस्त की तारीख ही क्यों रखी गई। चलो तो बात करते हैं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बेहद सोच समझकर चुनी गई 23 तारीख रखने के 5 कारण थे। चंद्रयान 3 लैंडिंग इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी तभी तक इस मिशन को अंजाम दिया गया। इसरो सभी चीजों की गणना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि 23 अगस्त से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी रहेगी, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी जिसकी हेल्प से चंद्रयान का रोवर चार्ज हो सकेगा और अपने मिशन में लग जाएगा। अब सवाल आता है कि चांद पर उतरने के बाद रोवर क्या करेगा। लैंडर मॉड्यूल से निकलकर रोवर चांद की सतह पर चलने लगेगा। चांद की सतह पर पहुंचने के बाद ये रोवर एक लूनर डे चंद्र दिवस का वक्त वहां गुजारेगा। एक लूनर डे 14 दिनों का होता है। रोवर इसरो के लिए चांद पर कई तरह के वैज्ञानिक परीक्षण करेगा, उसे चांद पर मौजूद कई गहरे राज भी खुल सकते हैं। अब सवाल आता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों भेजा गया चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया है। चांद का यह हिस्सा वो जगह है जिसके बारे में अब तक ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, इसलिए भारत का चंद्रयान 3 यहां पर लैंड हो चुका है। सफल लैंडिंग के बाद चांद पर अब रोवर जो परीक्षण करेगा उससे कई जरूरी जानकारी मिलेगी जो अब तक किसी को पता नहीं है। इस जगह पर मौजूद खनिजों और बाकी तत्वों की पहचान करना भी मिशन का काम है। अब हम ये जानेंगे कि चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया और चंद्रयान 3 की भूमिका क्या है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रमा की मिट्टी की निकट सतह, प्लाज्मा, आयरन और इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को भी मापेगा। यह मिशन यह पता लगाने में हेल्प करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी पर किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ऐलान किया है कि चंद्रयान 2 जहां पर लैंड हुआ वहां का नाम तिरंगा रखा गया है और चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ उस लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया गया है और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, जय भारत, जय भारत।